हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर पूरी सीरीज चला रहा हूँ। मैं यूट्यूब के एड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी जो सोच के रखा हूँ कि इस सीरीज में पूरा A to Z हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वही चीज का आज एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, लोकेशंस के बारे में बताऊंगा और मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप नेटवर्क, लोकेशन एंड लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहते हो यूट्यूब एड्स के में ऊपर, तब आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हो। अगर आपको ये चीजें आती है तो आप इस वीडियो को स्किप करके हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे मैं पता ही है कि मैं फेसबुक एड स्टडीज के ऊपर पूरी सीरीज बना चुका हूँ। फेसबुक एड कैसे रन करना है, पूरी ट्यूटोरियल मैंने दे रखा है। अब मैं यूट्यूब के ऊपर भी सीरीज बना रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी तरह वीडियो चाहते हो या फिर फेसबुक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क्स। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, और पिछला वीडियो हमने देखा था बजट एंड बिड स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है, अगर आपको देखना चाहते हो तो बिल्कुल मैं पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क्स, इसमें क्या है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियो एंड यूट्यूब वीडियो पार्टनर ऑन डिस्प्ले नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट, ठीक है, अगर कोई सर्च करता है तब आपका जो एड है वो अपियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे इसको टिक या अनटिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूट्यूब वीडियो, अगर कोई वीडियो का वीडियो है उसके ऊपर अगर आपको एड रन करनी तब इसको आप टिक कर सकते हो। थर्ड आपका वीडियो पार्टनर ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब जो पार्टनर्स हैं यूट्यूब के, जहां जहां यूट्यूब के एड सपोर्टेड हैं वहां वहां आप इसको अगर टिक करते हैं तो वहां वहां भी एड आपकी रन होगी। अगर आप तीनों टिक करते हैं तब आपकी एड तीनों प्लेसेस पे एड रन होगी। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जिस हिसाब से यूज है उस हिसाब से आपको यहाँ पे एड रन करना चाहिए। सपोज करते हैं मैंने अपनी एड रन की, जैसे कि मैं फेसबुक के ऊपर जो है स्टडी बताता हूँ, तो सपोज करते हैं मैंने एड रन की फेसबुक एड्स फॉर कोचिंग सेंटर्स, इसके ऊपर मैंने एड रन की। अब ये तो कीवर्ड हो गया, इसके ऊपर अगर कोई यूट्यूब पर सर्च करता है फेसबुक एड्स फॉर कोचिंग सेंटर्स, तब मेरी वीडियो ऊपर आएगी किसके थ्रू, एड के थ्रू। ठीक है, या फिर मैं सेकेंड क्या कर सकता हूँ, कोई वीडियो चल रही है उसके ऊपर मैं अपनी स्टार्टिंग पे एड दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाले को ऑन रखेंगे तब आप सर्च रिजल्ट पे आएंगे। मैं इसको ऑफ करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे वीडियो पार्टनर्स लिखा हुआ है इसको भी मैं ऑफ करता हूँ। मुझे सिर्फ जो वीडियो की स्टार्टिंग पे आती है स्किप करने वाली है वो एड रन करनी है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गई। अब इसको और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशंस। लोकेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल कंट्रीज इंडिया और इंटर अनदर लोकेशन। अब देखिए इंडिया पे रन करना पूरा ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो, लेकिन अब कोई पर्टिकुलर एरिया पे रन करना, सपोज करते हैं मैं रायपुर से हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल रायपुर लिखूंगा और दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको एडवांस करना है तो एडवांस आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप पर्टिकुलर लोकेशन वाइज कर सकते हो या फिर रेडियस वाइज कर सकते हो। रेडियस में आपके सभी तरफ के सेम एरिया आपको कवर होंगे और लोकेशन में आप पर्टिकुलर लोकेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर बल्क आपको ऐड करना है तो बल्क ऑन करो, यहाँ पे लोकेशन डालते जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ, सपोज मैं अभी रायपुर से हूँ, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़, तो मैं रायपुर के आसपास तीन चार एरिया पे एड रन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रायपुर, और यहाँ पे देख सकते हो रायपुर छत्तीसगढ़ आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, आ गया रायपुर छत्तीसगढ़। अगर मैं इसी को रेडियस कर देता हूँ, ये देखिए रेडियस, अब देखिएगा, ठीक है, अब मैं रेडियस में मुझे आपको रायपुर फिर से लेना है, रायपुर ले लिया मैंने, अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस 20 माइल से है यहाँ पे सेलेक्टेड, इसको आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी रेडियस को अभी हटा देता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे लोकेशंस फिर से आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ भिलाई। ठीक है, ये भिलाई रायपुर के पास में ही भिलाई है, उस वहां पे उस भिलाई की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया रायपुर एंड भिलाई। अब मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ जैसे कि दुर्ग। ठीक है, दुर्ग भी एक छत्तीसगढ़ का एरिया है, वो हमने ले लिया। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, आप यहां पे देखो दुर्ग और भिलाई दोनों मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देता हूं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, जैसे कि मैं भिलाई में एड रन करना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं दुर्ग वालों को एड हमारी दिखाई ना दे। ठीक है, तो सिंपल आप बोलोगे कि दुर्ग कट कर दो, सिंपल दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहां पे जब मैंने अभी दुर्ग लिया था तो आपको देखे होंगे कि यहां पे दुर्ग जो भिलाई के साथ भी आ रहा था, मतलब दुर्ग और भिलाई का काफी कुछ एरिया मिक्सअप है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ दुर्ग में जो एड है मेरी रन ना हो,
ठीक है, भिलाई में रन हो लेकिन दुर्ग में ना रन हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दुर्ग दुर्ग लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एक्सक्लूड। अब देखिए ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे एड रन नहीं होगी हमारी, जितना ब्लू पार्ट है वही एड रन होगी। सिंपल क्लियर है। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, तो इस लोकेशन पे हम एड रन करने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा लोकेशन का ऑप्शन, अगर आपको इंडिया लेना है सिंपल आप इंडिया ले सकते हो। ठीक है, लोकेशन हमने देख लिया, अब लैंग्वेजेस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्टेड है, हमेशा ऑल पे ही रखिएगा, लेकिन आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे रखूँ, जैसे कि आप बांग्लादेश से ठीक है या फिर वेस्ट बंगाल से, तब क्या कर सकते हैं आप बंगाली पे जो है आप अपनी एड दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसने अपने यूट्यूब को बंगाली लैंग्वेज पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसने अपने यूट्यूब को और अलग लैंग्वेज हो सकता है हिंदी में रखा हुआ है, ठीक है, आप पर्टिकुलर हिंदी वाले को भी ऐड दिखा सकते हो। यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी, ये देखिए हिंदी आ गया। अब हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि जिन्होंने अपने ऐड अपने जो यूट्यूब अकाउंट को हिंदी में रखा होगा सिर्फ उनके में ही ऐड रन होगी। ठीक है, जैसे कि आपका यूट्यूब में भी होता है, सॉरी गूगल पे भी होता है, गूगल में भी काफी सारे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में रखते हैं। यहाँ पे आपको न्यू टैब में दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना गूगल पे ऑप्शन क्या आता है आपका लैंग्वेज चेंज करने का। ठीक है, तो वो लैंग्वेज चेंज करके रख सकते हैं। अगर मैं ये हिंदी हो गया हमारा, यहाँ पे मैं करता हूँ बंगाली, ठीक है, ये देखिए बंगाली ये सेलेक्ट हो गया। अब जिन्होंने अपने यूट्यूब को बंगाली पे रखा है तो उनके में हमारी ऐड रन होगी, ये आप कर सकते हैं पर्टिकुलर चीजों के। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल लैंग्वेजेस ही करें। ठीक है, ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, नेटवर्क्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में और लोकेशंस के बारे में। आई होप वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें इन्वेंट्री टाइप, एक्सक्लूड टाइप एंड लेबल्स एंड रिलेटेड वीडियोस, ये तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ये तीन टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद हम ये बाकी जितने ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शन को एक एक करके समझेंगे, फिर हमारा फाइनल एड की तरफ जाएंगे हम लोग, जहां पे हम लोग फाइनल एड बनाएंगे और उसको रन करके देखेंगे। लाइव आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं, ठीक है, तो पूरी मेरी सीरीज को फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो सीरीज पसंद आए, पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।